मानव समाचार मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। जलगांव जिले में डकैती के इरादे से आए लुटेरों की योजना को स्थानीय अपराध शाखा ने विफल कर दिया। हालांकि गिरोह के 4 सदस्य भागने में सफल रहे। एक नाबालिग लुटेरे के पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद 10 वारदातें सुलझ गई हैं। धुले पुलिस ऑपरेशन में एक वाहन, एक पिस्तौल और डकैती की सामग्री जब्त की गई है। जैसे ही धुले स्थानीय अपराध शाखा को सूचना मिली कि 5 लोगों का एक गिरोह धुले के गतारबारी में डकैती करने की तैयारी कर रहा है, पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। टीम को देखकर गिरोह के 4 सदस्य भाग गए। हालांकि एक किशोर अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद डकैती की योजना का खुलासा हुआ। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने कहा, गिरोह ने पहले जलगांव जिले के कसाव में डकैती की योजना बनाई थी। पुलिस एलसीबी की कार्रवाई से यह साजिश नाकाम हो गई। जब लड़के से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को लूट की पूरी योजना बता दी। उसने अपने अन्य साथियों का नाम भी बताया। इसके अलावा उसने अन्य जगहों पर की गई चोरियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी। यह गिरोह 31 जनवरी को कोलगाम भड़गाम से एक कार चोरी हो गई। इसके अलावा गोंडगाम मड़गांव में 1 और 2 फरवरी की रात को एक मेडिकल दुकान में सेंध लगाकर नकदी चोरी कर ली गई थी। जब वे चोरी की कार में 40 गांव तालुका के मोर गांव जा रहे थे तो पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण उन्होंने कार वहीं छोड़ दी, जिसके बाद गिरोह ने बहल गांव से ऑल्टो कार चुरा ली। वे इस गाड़ी से डकैती करने जा रहे थे। इसके अलावा इस ग्रुप को एक बाइक भी मिली। पुलिस सूत्रों से शुरुआती जानकारी मिली थी कि लुटेरे चोरी की कार में सवार होकर डकैती डालने आ रहे थे, लेकिन रात में गश्त के दौरान पुलिस को कुछ लोग संदिग्ध हालत में बंद कार को धक्का देते हुए दिखे। पुलिस को देखकर चारों लुटेरे तो वहां से भाग गए, लेकिन एक नाबालिग लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जैसे ही उसे ब्लूप्रिंट दिखाया तो उसने लुटेरों की पूरी योजना पुलिस को बता दी। काही संशयित इसम आहेत आणि त्यांच्याकडे एक वाहन आहे अशी एक गुप्त बातमी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या टीमला व पोलीस निरीक्षक शिंदे यांना मिळाली होती। त्या अनुषंगाने तिथे गेले असता 4 इसम पळून गेले आणि एक विधी संरक्षित बालक XYZ त्याचं नाव सांगता येणार नाही त्याला आपण पकडलेलं आहे। तर त्यांच्याकडनं आपल्याकडे एक गावठी पिस्तूल, त्याच्यामध्ये एक जिवंत राऊंड, काही कटर स्क्रूड्रायव्हर्स आणि काही घरफोडीचे अवजार, असा आपल्याला एकूण 1,34,000 ऐवज आणि मुद्देमाल मिळाला होता। त्या अनुषंगाने आपण IPC 399 दरोड्याची तयारी करणं आणि 34 असा एक आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। तर या विधी संघर्षित बालकाला इंट्रोगेट केले असता एकूण आपल्याकडे 10 घरफोड्या विविध प्रकारच्या आपण त्याच्यामध्ये ओपन केलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये 3 ज्या आहेत त्या जळगाव जिल्ह्यातल्या आहेत असं सध्या क्राईम ऑफिसी निष्पन्न होत आहे। आणि त्याचे जे साथीदार आहेत त्यांची नावं इथे सांगत नाहीत, परंतु त्या साथीदारांना देखील पोलीस तपास करत आहेत आणि त्यांच्या मार्गावर आहेत।